जस्ट अपलोड कीप दिस वीडियो हेयर सो वो वीडियो कल मैंने अपलोड की थी सो so, जिसने भी आप लोग देखी होगी स्टिल नो हार्म कि उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले पाओगे या नहीं ले पाओगे या डेमो कर पाओगे वॉट एवर सही फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक श्योर आप इस बेसिस पे ट्रेड ना लो दिस इज जस्ट फॉर एडुकेशनल पर्पजेस ओके सो मेक श्योर यू आर नॉट टेकिंग ट्रेड ऑन दिस बेसिस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है एंड इन नो वे आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दीज एक्शन ओके सो so, यहाँ पे समझते हैं कि प्राइस हम लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर टुमारो सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इज 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 दिस 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 लो 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 जो प्रोटेक्ट हो रहा है एंड दिस इज इंडिया 50 का चार्ट इंडिया 50 का चार्ट देख के मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि प्राइसेस क्या कर रहे हैं सो so, मैं आपको बता दू कि डेली कैंडल है जो मैं जैसे एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइस क्या कर सकता है इज समथिंग लाइक दिस कैंडल को यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल एक ऐसी कैंडल बन सकती है जो कि एक बहुत बड़ा स्पाइक देगी एक बहुत बड़ा स्पाइक देगी सो so, प्राइस पहले नीचे आएगा थोड़ा सा इट कैन डू दिस इट कैन डू दिस। नाउ इफ द कैंडल स्टिक डू नॉट क्लोज अबाउट दिस एरिया डू नॉट क्लोज अबाउट दिस एरिया देन देर इज अ पॉसिबिलिटी लेट्स से अगर उसने सिर्फ इसके नीचे क्लोजिंग दे दी एक डेली कैंडल स्टिक की बात कर रहा करो अगर उसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट डे प्राइस सीधा नीचे फॉल करे और ये जितने भी लोस हैं यहाँ पे सारी लिक्विडिटी हंट हो जाए सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कहीं ना कहीं इन फ्यूचर प्राइस इन लो इस लो के नीचे आ सकता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस इस लो के नीचे आ सकता है लेकिन इस लो तक आने के लिए जो पाथ है वो हमें समझना पड़ेगा तो मेरी नज़र पहले इस लो पे है सो so, इस पॉइंट पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक बड़ी कैंडल बनेगी एक बड़ी डेली कैंडलस्टिक बन सकती है मंडे को एट सो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा मैं जितने भी लॉन्ग्स ले रहा हूं ना मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा जब तक मुझे प्रॉपर टारगेट्स नहीं मिल पाते सो इन दिस केस इफ यू सी अगर हम लोग इस एरिया को बचा रहे हैं देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि प्राइस यहाँ से एक बड़ा पुश दे हमें ऊपर की तरफ वंस वी गेट दिस पुश अगर हम लोग इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं

लेकिन जब मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो आई वांट कि इंडिया फिफ्टी चार्ट यहां कहीं हो शायद ये लो लोहड करे चलेगा लेकिन प्राइस फिर जब वापस आए इसके ऊपर यहाँ कहीं पे मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले जहां से मैं इजीली पहला टारगेट ये अचीव कर सकता हूँ और दूसरा टारगेट ये अचीव कर सकता हूँ बहुत ईजिली मुझे पाथ टूवर्ड्स दिस लेवल मिल सकता है इसके बाद भी प्राइस शायद ऊपर जाए इसके बाद भी प्राइस शायद यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए बट केयरफुल मैंने कहा था जब तक हम लोग इस लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंटीड फाइव जब तक प्राइस इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है प्राइज इज हाई चांस है कि इट विल फॉल डाउन सो so, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज लिक्विडिटी दिस इज यो हेंड कहीं ना कहीं हम लोग इस एरिया में आने के बाद एक शार्प फॉल एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट द दैट यू विल बी टेकिंग इन द कमिंग डेज दिस इज दिसन मैं कहीं ना कहीं देखना चाहता हूँ करें so, अगर प्राइस को इस लो को हंट करना है तो निफ्टी में कहीं ना कहीं प्राइस को वापस इस पॉइंट तक आना होगा जो कि अगर हम आए निफ्टी के चार्ट पे सो इफ यू कैन सी वी आर एंटीसिपेटिंग द प्राइज टू कम समवेयर अराउंड लोस राइट right? यहाँ पे जो दो इक्वल लोज है कहीं कही ना कहीं प्राइस यहाँ पे गिर सकता है पॉसिबिलिटी है बट हम लोग इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट लेट द प्राइस डू इट्स वर्क तो इनिशियली अगर मैं बोलू कि मुझे कल को अगर निफ्टी ट्रेड करना है सो माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर ऑलरेडी मार्क आप देख सकते हो एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी फाइव सो जैसे मैंने कहा था आई वॉन्ट अ डेली टाइम फ्रेम के अंडरस्टेक टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस आई वॉन्ट टू सी अगर बिगर रिएक्शन टू द अपसाइड सो दिस इज रिएक्शन दैट माई टेक प्लेस वेरी सुन अगर ये रिएक्शन मुझे मिलता है सो दिस इज माई सपोर्ट दिस इज एन एरिया जहां तक मैं अपना सो आई विल बाइंग फ्रॉम ह्यर आई विल भी बाइंग फ्रॉम ह्यर अबो दिस एंड आई विल एग्जिट माई ट्रेड अराउंड अगर कल को प्राइस गैप अप ओपन होता है और यहीं पर ओपन होता है आई विल I will look to sell, लेकिन, मैं लेकिन जब तक हमारे पास ये नहीं होगा तब तक इसके गिरने का सेंस भी नहीं बनता है इसकी वजह से अगर प्राइस अप यहाँ पे होता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब मैं इन हाइस के ऊपर जाऊं तो मैं यहाँ से लॉन्ग लेना शुरू करूंगा लेकिन जब तक मैं इस एरिया में हूँ वेरी बिग पॉसिबिलिटी और यहाँ पे हम लोग को वो लो हंटिंग दिखेगी सो बी वेरी केयरफुल ग्यू गैप जो एरिया है यहाँ तक प्राइस आराम से फुलफिल कर सकता है प्राइजेस को एंड आफ्टर दिस अगर ये लोस प्रोटेक्ट होते देर इज देर कुड भी सम रीजन की क्या हो रहा है यहाँ पे वो हम लोग को आगे एंटिसिपेट करना पड़ेगा लेकिन पहले हमारी बात है दिस लो लेकिन क्या वो टेक, ये जो लो टेक है कहीं ओपनिंग मिलती है तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस को नीचे जाते हुए देखू नीचे जाते हुए देखू तो मैं यहाँ पे डरू नहीं की प्राइस सीधा नीचे चला जाएगा मैं फोर्मो ये सब मुझे नहीं पढ़ना है इस पॉइंट पे मुझे देखना है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहे

जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमें हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ट्यूसडे के दिन प्राइस एक मूव दे के हमें यहां से एक नीचे डाउनफॉल दे देगा बहुत इजीली हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल मिल जाएगा ट्यूसडे और वेन्सडे कैन मे नॉट बी सो गुड फॉर अस ओके सो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है एंड अगर प्राइस ऐसा करता है तो डेफिनेटली हम लोग ये लो को हंट कर देंगे यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो भी हेल्प करेगी प्राइस को नीचे लेके आने के लिए सो so, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखो कि प्राइजेस का डायरेक्शन क्या है। इंट्राडे इसीलिए इतना टफ हो जाता है बिकॉज इतने सारे सिनारी प्ले आउट होते हैं सो so, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चार्ट पे जाते हो आपका जो पहला जो आपका इंटूशन रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है सो so, हमेशा किसी चार्ट को आप एनालाइज कर रहे हो तो उसे थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स आराम से देखो कि कौन सी लेवल पे जाके प्राइस क्या कर सकता है कौन सी लेवल पे जाके प्राइस सस्टेन कर सकता है या रेजिस्टेंस ले सकता है अगर आप दिन में सिर्फ एक घंटा या अगर आप दिन में सिर्फ पांच मिनट या दस मिनट किसी चार्ट को देख रहे हो और बोल रहे हो कि यार यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको टेस्ट करेगा ऐसे तो काम होने नहीं वाला अगर आप ये चीजें एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो और अगर ये चीज हुई तो आपको और बिलीफ होगा आपको और चीजें समझ में आएंगी कि इंट्रा एक्चुअली ऐसे एनालाइज किया जाता है सिर्फ आप लाइंस बनाने से कुछ नहीं होगा आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है और इन चीजों को समझने के लिए या तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आना है अपना आपने जितने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है आपके पास जो नोट्स है आप उनको देखो आपने क्या लिखा हो अगर आपने जर्नल नहीं किया है तो आपने जितने भी साल अभी तक ट्रेडिंग करी है तीन चार साल वो सारे वेस्ट है इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखो कि आपका एनालिसिस तभी काम करेगा जब आप उस उसपे टाइम स्पेंड करके उसको देख रहे हो दूसरों का देख के दूसरों का सुन के कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पे अगर प्राइस देखो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है मैं मंडे को यहाँ पे कहीं देखो अगर मुझे यहाँ पे सेल भी मिलता है तो मैं जल्दी से सेल करके यहाँ पे बुक भी कर लूंगा मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार मार्केट नीचे जा रहा है नहीं ऐसा होने से रहा अगर ऐसा होता है तो मेरा काम हो गया ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा उसके बाद ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर प्राइस यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है अगर मुझे दो तीन पंद्रह मिनट की कैंडल ने बहुत अच्छा कंफर्मेशन दे दिया मैं यहाँ पे लॉन्ग घुस जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ऊपर जाना ही है प्राइस को अगर यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना ही है मैं कोशिश करूंगा मैं इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री ले पाऊँ और जब मेरे पास ये लेवल हो मैं यहाँ पे थोड़ी पोजिशन बुक करके मैं देखूँ कि प्राइस अगर और होल्ड कर पा रहा है वीवैप के ऊपर हूँ मैं तो जब तक मैं वीवैप के ऊपर हूँ मैं कोशिश करूंगा मैं या तो पोजिशन में रहूँ या तो मैं पोजिशन एड करूँ एंड माई नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड दिस लेवल फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड और जैसे ही मैं फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड आऊंगा उसके बाद मैं ना लॉन्ग्स लूंगा ना मैं शॉर्ट लूंगा बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो कैंडल स्टिक जो हमने एंटीसिपेट करी है हम लोग तो ये क्लोजिंग एंटीसिपेट कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइस कैंडल स्टिक ऐसे क्लोज हो एट सम पॉइंट ऑफ द डे आपको ये कैंडल स्टिक ऐसी दिखेगी मे बी तीन चार घंटे के लिए आपको ये डेली कैंडल स्टिक ऐसे दिखेगी लेकिन बाई द एंड ऑफ द डे प्राइज माइट सिंपली फॉल बैक डाउन बहुत शार्पली बहुत शार्पली प्राइस सीधा नीचे गिर सकता है सो एट दैट वो कैंडलस्टिक आपको ऐसे दिखेगी so not, की हमने जो किया था, वो गलत है कि वो कैंडलस्टिक कैसे दिखेगी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं यहां तक ट्रेड लूंगा उसके बाद क्या करूंगा देखो सब लोग रेडी है यहाँ पे बाय करने के लिए ट्रस्ट गाइस ऑल टाइम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन क्या प्राइस सिंपली वहां पे जाएगा नहीं यार जस्ट नहीं जा रहे right here, here, हैंजिली आ सकते हैं इस पॉइंट पे हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या कर सकता है अगर हमें और चीजें समझ में आएगी देन इज अ पॉसिबिलिटी की हम लोग शायद ये लोस भी हैंड करते हैं बट येस ऑल टाइम हाइस हम लोग इसके बाद डेफिनेटली जाने की कोशिश करेंगे लेकिन क्या ये सही टाइम है नहीं अभी आपको सिर्फ इंटराडे पे थोड़ा सा फोकस करना है कि प्राइस क्या कर सकता है अगेन प्लान ऑफ एक्शन वेरी सिंपल मैं यहाँ से और यहाँ से बाई करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे अपने टारगेट बुक करूंगा इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश नहीं करूंगा प्राइस डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे करके एक बड़ा सा फॉल हमें यहाँ पे दे सकता है लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ये बड़ा फॉल ट्यूसडे या वेंसडे को ट्रेड करने की कोशिश करूं अगर प्राइस इन हाइस को रेस्पेक्ट कर रहा है और सेम चीज अगर मैं बोलूं इंडिया फिफ्टी पे मैं इंडिया फिफ्टी पे देखना चाहता हूं कि प्राइस एक बार इस एरिया पे आया और अगर मुझे इस एरिया से सेल मिला तो डेफिनेटली प्राइस को मुझे बहुत कन्विक्शन है इस लेवल पे प्राइस एक बार उस लेवल को फॉल uh, देने के लिए रेडी रहा तो यहाँ से हमें एक बड़ा सा फॉल दिखेगा जो तो कि ये जो सारी लिक्विडिटी है वो यहाँ पे लेके जाएगा और हमें एक बड़ा सा फॉल जो है इस लो तक एंटिसिपेट करने मिलेगा टिल दिस लो सो so, मेरी जो नजर है वो पूरी इस लो तक है जब तक हम लोग को ये लो हंट नहीं होता और जब तक हम लोग का बायस जो है इस रेंज के बाहर नहीं निकलता मैं बेरिश रहूंगा ओवरऑल लेकिन इंट्राडे में मैं पहले एक अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देन मैं एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मैं देखूँ वीकली टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक तो वीकली टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक का मुझे काफी अच्छी लग रही थी लेकिन जब तक जब तक मैं एक पूरी वीकली कैंडल स्टिक को इस कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देख सकता हूं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइजेस और ऊपर जाएंगे थोड़े टाइम के लिए कुड भी टू कैंडल थ्री कैंडल करेक्शन हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइजेस थोड़ा ऊपर जाए अगर मुझे प्राइस अगर अगर मुझे price इस इस के के आसपास आसपास मिलता है है तब तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। इस area के आसपास अगर हम हम करने कोशिश करेंगे लोग एक trade, मतलब एक मतलब बड़ा swing trade यहां से ले सकते हैं जो कि हमारा लेके जाएगा अब आप इस वीडियो को देख चुके हो कोशिश करना अब एंटिसिपेट करना खुद ही आप देखना कि इंटराडे में कैसे काम करता है जैसे मैंने कहा लेवल्स हमेशा याद रखना मेरा प्लान ऑफ एक्शन हमेशा याद रखना अगर मैं इसके यहाँ मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बाई करने का मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे टारगेट बुक करने का मैं मंडे को कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे कोई ट्रेड ना लू ट्यूजडे और वेंसडे मैं कोशिश करूंगा अगर हम लोग इसी एरिया में है सस्टेन कर रहे हैं तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा और लेकिन अगर हम लोग ट्यूजडे और वेंसडे ऊपर जा चुके हैं फ्राइडे के लिए हम थर्सडे हम लोग यहाँ पे है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग शायद और प्राइस को ऊपर पुश करें जो कि डिपेंड करता है कि वेस्टे ट्यूजे कैंडल स्टिक्स कैसे बनती है प्राइस एक्शन कैसे होता है सो वीकली कैंडल स्टिक मैंने कर ली है यहाँ पे, मैंने कर आपको बता दी है कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं देखने का जो कि कुछ इतना बढ़िया लगेगा फॉर लेट एटलीस्ट थ्री टू फोर आवर्स एक कैंडल स्टिक हम लोग को ऐसा क्लोज होते हुए दिख सकती है नाउ वंस वी हैव दिस इंटू कंसिडरेशन आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आप मूव आने के बाद प्राइस सिंपली ऐसा कर सकता है जहां पे वही कैंडलस्टिक आपको एक बड़ा सा फॉल दिखा के ये जो है ना इसी को आपकी विग बन जाएगी ठीक है तो कैंडलस्टिक्स कभी भी ऐसा कर सकती है डू नॉट जज इट बाई दिस वे की वो बुलिश ही क्लोज होगी हमारा सिर्फ काम इतना है कि वो बुलिश दिखे हमें जब तक हम उस ट्रेड में हैं बस उसके बाद हमें उस एरिया से बाहर निकलना है एंड डेफिनेटली वी सी व्हाट द प्राइस लेटर ऑन आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आई आई होप इफ यू इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गो अहेड लाइक जस्ट मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन शेयर वीडियो एज मच एज यू कैन एंड If you have any doubts, just reach out in the comment section. You can reach out to us on Telegram or, yeah, you can reach out to us on Instagram as well. Thank you so much. Have a nice day.